जॉब्स इन शॉर्ट्स पे आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूँ जो कि हमारे पास निकल कर आई है कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी है कोल इंडिया रिक्रूटमेंट 2022 जिसे कि 41 मेडिकल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जारी किया गया है। इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने MBBS कर रखा है वो सारे ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। साथ ही एक ऑल इंडिया जॉब होगी जिसके लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चूंकि हमारा चैनल अभी नया है तो हमें आपके साथ की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की तरफ से। एप्लीकेशन मोड दोस्तों इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए कंप्लीटली ऑफलाइन रखा गया है। वहीं बात करें कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हों इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट नेम की बात कर ले तो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट E4 और मेडिकल स्पेशलिस्ट E3 के लिए 19 पोस्ट है, जबकि सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3 के लिए 22 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 41 है। सैलरी की बात की जाए तो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट E4 को मिल जाएंगे 70,000 रुपये पर मंथ से लेकर 2,00,000 रुपये पर मंथ तक। वहीं सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट या सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3 को मिल जाएंगे 60,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये पर मंथ तक। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, यानी यह फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं अगर बात कर ले कैटेगरी वाइज डिटेल्स की, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 15 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि OBC NCL के लिए 11 वैकेंसी है। एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट E4 के लिए 42 साल रखा गया है, जबकि सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट या सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3 के लिए 35 वर्ष रखा गया है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट E4 के लिए जिन कैंडिडेट्स ने MBBS कर रखा है अप्रूव्ड बाय MCI विथ PG डिग्री या DNB विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। या फिर सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट E3 के लिए जिन कैंडिडेट्स ने MBBS कर रखा है अप्रूव्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विथ PG डिग्री या DNB, वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। वहीं सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए जिन कैंडिडेट्स ने MBBS कर रखा है अप्रूव्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्योर की, तो ये कम्प्लीटली बेस्ड होगा इंटरव्यू पे। वहीं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया 20 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगी, जो कि 20 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। अब अगर बात किया दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए कैसे आवेदन कर पाओगे, तो इसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आप हमारे वेब पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद आपको लास्ट में ये 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको पहले लिंक पर क्लिक करके हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है, जहाँ पर भविष्य में आने वाली किसी भी नई वैकेंसी की जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुँचा पाएंगे। उसके लिए लास्ट लिंक पर क्लिक करके दोस्तों आपको नोटिफिकेशन और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही डाउनलोड करना है। इसके बाद नोटिफिकेशन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, और फिर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनके जेरॉक्स कॉपी को इस फॉर्म के साथ अटैच करना है, और मैं जो एड्रेस आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ इस पर आपको इसको सेंड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।